धनबाद जिले के बस्तकोला इलाके में विगत कुछ दिनों से नियोजन की मांग को लेकर आर्टिकल 19 संस्था धरने पर बैठी हुई है और मैनुअल लोडिंग की मांग कर रही है। संस्था ने कंपनी के कार्यों को ठप रखा है। संस्था की ओर से धरने की अगुवाई कर रहे शंकर चौधरी ने कहा कि प्रबंधन लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार ये धरना समाप्त नहीं होने वाला है और अगर आउटसोर्सिंग कंपनी कार्य करने का प्रयास करेगी तो कार्य नहीं होने दिया जाएगा। आज भी कंपनी ने कार्य करने का प्रयास किया और मशीन से लॉन्डिंग करवाने की चेष्टा में थे, लेकिन आर्टिकल 19 संस्था की सदस्यों ने काम बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन जो चाहे कर ले, लेकिन जब तक यहाँ पर 100% मैनुअल लॉन्डिंग नहीं शुरू होगी ये धरना समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से आज संस्था के सदस्यों के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले भी आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ। अब जब तक धरातल पर कार्य नहीं होगा तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी कार्य में बाधा डालने की, केस करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि BCCL कोई सरकारी कंपनी है। SVN न्यूज की खास रिपोर्ट। इसलिए आज लोग रोड पे उतरे हैं सब कोई। चलो 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 आप लोग चलो चलो हम लोग चलो। अभी समय ही आप तो बात है जी। सब कुछ मैनुअल लोडिंग अभी संभव नहीं है क्योंकि टेस्ट सैंपल नहीं हुआ है। स्टीम का सैंपल होगा, उसके बाद मैनुअल लोडिंग के लिए ऑफर जाएगा, रेंडर शुरू होगा और उसमें लोकल को प्राथमिकता मिलेगा। पहले भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है। अब पावर का कोयला जो है पावर हाउस में जाता है, ये तो कोयला कोई तो एसेंशियल वो है, इसमें तो ROM जाता है वो भी, तो वो उसका ट्रांसपोर्टिंग जिसको मिला उसको ट्रांसपोर्ट करना है। जिसको ऑर्डर मिलेगा वही ना करेगा। किसको ऑर्डर मिला सर? न्यू सतनाम आपको बोले, अभी न्यू सतनाम ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया है, वो अपना ट्रांसपोर्ट करेगा। आप यहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं न्यू सतनाम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या कंपनी? कंपनी डिस्पैच कंपनी को करना है, उसको काम मिला है, उसको काम मिला, उसको ये ट्रांसपोर्टिंग का कार्य किसका है सर? कोयले का, कोयले के ट्रांसपोर्ट का काम BCCL दिया है उसको टेंडर करके। अभी काम किसका है सर? कोयले ट्रांसपोर्टिंग का, कोयला ट्रांसपोर्ट का काम मिला है न्यू सतनाम को, BCCL दिया है। BCCL कोयला उसका नहीं हो गया, कोयला BCCL कंपनी का ही कोयला है, कंपनी को डिस्पैच करना है, किसी से करवा सकता है। उसमें कि टेंडर होता है, उसमें जो सिस्टम है उसमें उसको मिला है, वो करेगा काम अपना। तो सर कंपनी के प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं और आप यहाँ पर आए हैं? हमको कोयला डिस्पैच तो BCCL काम है ना, उसका प्रतिनिधि का मतलब है नुकसान तो BCCL को हो रहा है, पावर हाउस को हो रहा है, स्टेट को हो रहा है, देश को हो रहा है, हमको थोड़ी है। आपके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ट्रांसपोर्टर का थोड़ी है खाली नुकसान, उससे उसको अपना करेगा या नहीं करेगा, यहाँ और करेगा और कहीं और कहीं करेगा, हमको तो डिस्पैच करना है ना भाई। अभी सर जनता के प्रतिनिधि ने कहा कि आप BCCL जो है कोयला निकालने में विफल रही है, इस पे आपका क्या कहना है सर? कोयला का टेंडर होता है, कोयला निकालने एज पर सिचुएशन देखा जाता है कि कहाँ पर हम लोग को जो है पैच ऐसा आउटसोर्सिंग देना है, कहीं पर नहीं, डिपार्टमेंटल भी चल रहा है बहुत जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे पास मशीनरी कितना है, मैन पावर के हिसाब देखा जाता है, मशीन देखा जाता है, तो दिया जाता है टेंडर। वो तो आउटसोर्सिंग आज से नहीं चल रहा है, पुराना पहले से चल रहा है, पहला आउटसोर्सिंग तो नहीं है पूरा BCCL का। लेकिन पहले तो केवल BCCL ही कोयला निकालती थी, पहले कब? हमको तो लगता है कि पहला आउटसोर्सिंग तो नहीं है, सब जगह चल रहा है सर, बहुत सारे सब जगह चल रहा है। सड़क पे उतरे हैं आज आप लोग? देखिए सड़क पे शुक्रवार से हम उतरे हुए हैं, आज स्थिति यह नौबत आ गई है कि लोग हमको डराने पे लग गए हैं। प्रबंधन अलग, प्रशासन अलग, केस हो जाएगा, जेल हो जाएगा, तो जब खाने का चीजें घर में नहीं रहेगा तो फिर जेल हो जाए चाहे केस हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा एक ही डिमांड है, जो भी इस एरिया में मजदूर है उसको काम मिलना चाहिए। और काम यहाँ एक ही तरीका है, यहाँ कोयला लोडिंग का काम होता है, वो मशीन द्वारा लोग कर रहा, हमको 100% मैनुअल लोडिंग चाहिए, और जैसे ही वो मैनुअल लोडिंग करेंगे यहाँ का 100% बेरोजगारी दूर हो जाएगा, सब लोग को रोजगार मिल जाएगा, लोग 500 से 1000 रुपये रोज कमाएंगे और एकदम मस्त जीवन जिएंगे। तो आज आप लोग काम बंद कर दिए हैं? काम वो फिर से जबरदस्ती गाड़ी लगाए, बिना हम लोग का मैनुअल लोडिंग दिए, पेलोडर लोडिंग करना चाह रहे थे, हम लोग काम फिर से बंद किए। अब उनको जो करना है वो करें, हम लोग अंतिम समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक उनको लगेगा कि जेल भेजने तो भेज दें, हम तैयार हैं। BCCL अधिकारी से अभी वार्ता हो रहा था, क्या कुछ आश्वासन दिया? वो केवल आश्वासन का घूटी पिलाते हैं, इससे पहले द्वारी कोलेरी में लोग पिलाए थे कि 2 महीना रुकिए, 2 महीना में हम सब व्यवस्था कर देंगे, आप लोग का सब मैनुअल लोडिंग हो जाएगा रोड सेल का, और होता कुछ नहीं है।
ठीक है, वो अब हमको बोलेंगे, फिर जब हम जाएंगे रोकने के लिए दूसरा को चढ़ा देंगे, दूसरा आएगा रोकने के लिए तीसरा को चढ़ा देंगे, खाली लड़वाने का काम करते हैं। प्रशासन अभी कही है कि यदि सरकारी काम में बाध्यता की जाएगी तो आप सभी पर जो है FIR किया जा सकता है। ये जान लीजिए कि BCCL सरकारी है ही नहीं, जो लोग ये माने डर दिखा रहे होंगे कि BCCL सरकारी है, तो BCCL सरकार जमानत ले रखी है, उसको कहते हैं अंडरटेकिंग गवर्नमेंट। अगर BCCL आपका कुछ लेके भाग जाएगा तो सरकार देनदार होगी, सर माने BCCL सरकारी नहीं है, इसलिए सरकारी काम में बाधा हम लोग कोई डर ही नहीं है और हम